जयपुर का नहीं पूरे राजस्थान का एक मां जो वीआर थीम पार्क है हुआ सबसे पहला इसको दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ आपको ऐसा बताने वाले हैं जिसको देखकर आप रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में जाने वाले हैं। बिल्कुल आज की वीडियो हमारी होने वाली है भाई पूरा वर्चुअल गेमिंग के ऊपर कि वर्चुअल गेमिंग में आपको क्या क्या यहां पर मिलेगा। आज की वीडियो में हम आ चुके हैं वैशाली नगर में गांधी पर स्थित वीआर थीम पार्क में, जयपुर का नहीं पूरे राजस्थान का एकमात्र जो वर्चुअल रियलिटी जो वीआर थीम पार्क है वो आप सबसे पहला इसको बोल सकते हैं। आपको कहीं पे ही नहीं मिलेगा, जयपुर में ही आपको मिलेगा। ओपनिंग इसकी हो चुकी है, कौन कौन से गेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो वीआर जो टेक्नोलॉजी है उस पर जो बेस चीज़ें होती है, देखिए अभी मेरे पीछे देख सकते हैं एक एक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार सत श्रीकाल खमंगणी, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जयपुर, लेके आ चुका हूँ भाई हर बार की तरह इस बार भी एक डिफरेंट काइंड की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाल कलर का बटन आ रहा होगा ना उसको दबा के कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए शेयर, हो लगता है कि जयपुर के बारे में अनएक्सप्लोर कंटेंट हमेशा की तरह आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। अभी देखते हैं एक एक चीज़ को, एक एक जो एक्टिविटी है हम आपको उसको परफॉर्म करके दिखाने वाले हैं। क्या टिकट्स रहेगी, क्या टाइमिंग्स रहेगी, कैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना देरी के करते हैं स्टार्ट और देखते हैं हमारा क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर रहता है। आपको एड्रेस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये कार्ड देख लीजिए इनका, ये देखिए इनका कार्ड है और पीछे से भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें सारी डिटेल्स वैसे तो मेंशन है बट आपको एड्रेस फिर भी मैं बता देता हूँ। वैशाली नगर में गांधी पथ है, आप थोड़ा सा मेरे पीछे आसपास का दिखा दीजिए ताकि गांधी पथ पर जो वीआर थीम पार्क है ना वो यहाँ पर है। आप थोड़ी सी बिल्डिंग का भी दिखा दीजिए ताकि अगर कोई आए ना तो बिल्डिंग का भी थोड़ा सा आउटर दिखा दीजिए ताकि पता रहे, ठीक है। तो आप वैशाली नगर में गांधी पथ, तो दोस्तों सबसे जो मेन चीज़ होती है वो है प्राइजेस, क्या क्या प्राइजेस हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि कितनी एक्टिविटीज़ अभी करंट में हैं और देखिए इनकी प्राइजेस हैं और गेम टाइम है, कितने प्लेयर आप इसमें चूज़ कर सकते हैं वो है। और ये देखिए ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कितने प्राइजेस हैं और प्लस इसमें क्या होता है आप कार्ड भी ले सकते हैं, ये कार्ड की प्राइजेस हैं। और इसमें देखिए आपको बोनस भी मिल सकता है, मतलब बोनस मिलेगा, मतलब 1000 का रिचार्ज करेंगे तो 1100 रुपये उसमें आपको बैलेंस जो है मिलने वाला है। और देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आपको कार्ड मिलेगा, ये देखिए ये गेमर कार्ड है, ये आपको यहाँ पर दिया जाएगा अगर आप कार्ड लेते हैं तो। और प्राइजेस एक बार वापस से आप देख सकते हैं, सबसे पहली एक्टिविटी हम करने वाले हैं, कुछ हॉर्स हमें दिख रहा है भैया, आप बताइए कि कौन सी एक्टिविटी है ये वाली। ये है, इसका नाम है वीआर हॉर्सिंग, वीआर हॉर्सिंग, ठीक है। और इसमें मल्टीपल गेम्स है जिसमें आप जैसे गन के साथ गेम खेल सकते हो, हाँ। घोड़ा चलता रहेगा, आप ऊपर से आपको शूट करना होगा, अच्छा अच्छा अच्छा। साथ में जैसे महाराजा वहराजा उस टाइप का अगर फील लेना हो तो आपके हाथ में तलवार वगैरह रहेगा तो वो भी आप फील ले सकते हैं, अच्छा अच्छा। दोनों तीनों टाइप के गेम्स रहेंगे, घोड़ा चलेगा आप इस पे बैठे रहोगे और आपको वही फील आएगा घोड़ा चल रहा है, अपन युद्ध लड़ रहे हैं, अच्छा ओके। तो गाइस हम एक बार एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जैसे महेंद्र भैया ने बताया तो आपके रिएक्शन आपको दिखे जाएंगे यहाँ पे, तो अभी महेंद्र भैया ने जैसा बताया ना वैसा हम ट्राई करने वाले हैं और हम एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। दोस्तों घोड़े पे बैठ चुके हैं और काफी ऊंचा लग रहा है, ठीक है हाँ। तो दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ और मुझे अभी कहाँ से ऐसे वाला, ठीक है हाँ। अब ये सामने गाइस मुझे कुछ पहाड़ वगैरह दिखने लग गए और वापस, ठीक है हाँ घोड़ा चल रहा है और ये हिल भी रहा है, अरे बाप रे भैया गिरूंगा तो नहीं ना मैं। आप अपने गन चेंज भी कर सकते हो, हाँ हो गई हो गई हो गई, काफी मजा आ रहा है और निशाना लगाइए कर आराम,
काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है और मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे जंगल में डोल रहा हूँ पहाड़ों के बीच में। मुझे पता नहीं आपको कैसा दिख रहा होगा बट मज़ा काफ़ी आ रहा है। ये गन चेंज हो गई है, साइड में भी आपको देख के रहना, साइड से कोई भी आ सकता है। अच्छा हाँ, चारों तरफ पीछे भी है। तो गेम हमने खेल लिया, काफ़ी मज़ा आया और सच में ऐसा लगा कि मैं घोड़े पे बैठा हूँ और जो अगल बगल में जो एनवायरनमेंट था ना वो भी काफ़ी मतलब रियल लग रहा था बिल्कुल। मतलब मेरा एक्सप्रेशन आप देख के समझिए क्योंकि मेरे को कैसा फील हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं जो VR थीम पार्क है जो कि गांधी पथ वैशाली नगर में है, वहाँ के ऑनर हैं महेंद्र भैया हैं। महेंद्र भैया पहले तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि यहाँ का जो टाइमिंग रहता है, पहले तो टाइमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जी जी जरूर। टाइमिंग क्या रहता है? ओपनिंग टाइम रहेगा सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। और कितनी एक्टिविटीज़ हैं अभी करंट में हमारे पास? हमारे पास अभी 8 एक्टिविटीज़ है जिनमें VR मशीन है और सिमुलेटर भी है। अच्छा, और साथ में हाँ PS5 भी एड हो गया है तो अब बढ़ गए हैं। अच्छा PS5 भी है आपके पास, तो दोस्तों देख सकते हैं PS5 भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि मेरे को VR थीम के ऊपर कुछ यहाँ पर ओपन करना है? देखो वैसे आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद यूट्यूबर हूँ, मुझे अच्छा। गेमिंग का खुद को ज़्यादा ये है नो। अच्छा अच्छा अच्छा, कीड़ा है एक तरह का। अच्छा, तो मैं खुद VR वगैरह घर पे ट्राई किया। अच्छा, और अभी अपने रास्ते VR है नहीं। हाँ बिल्कुल, तो मेरा आइडिया यही था अपन बाहर से वाली टेक्नोलॉजी यहाँ लेके आए और यहाँ पे भी कुछ स्टार्टअप करें। अच्छा अच्छा, ये आइडिया मेरे 2 साल से चल रहा था। अच्छा, और इस पर मैं काम कर रहा था और अब आखिर ये ऐसा टाइम आ गया है कि मैंने ये स्टार्ट एग्जीक्यूट कर दिया आपने। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में सबसे पहला VR थीम के ऊपर जो बेस पार्क है ना, आपको यहाँ पर जो भी एक्टिविटी मिलेगी आपको VR बेस ही मिलेगी। क्यों सही बोल रहा हूँ महेंद्र भैया? तो आप कब आ रहे हैं ना एक बार कमेंट करके बता दीजिए, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। VR के साथ में जो अगर बच्चे वगैरह और भी अदर आते हैं जी जी जी, उनके लिए हम अर्केड गेम्स हो गए, PS5 हो गए और अदर भी कुछ लेके आ रहे हैं ताकि वो भी निराश ना हो। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए भी आप गेम लेके आ रहे हैं, मतलब कि एक पूरा फैमिली पैकेज आप देने वाले हैं। जी जी, पूरा बिल्डिंग वैसे गेमिंग बिल्डिंग ही रहेगा। और मैं देख फ्लोर में रहेगा गेमिंग। अच्छा, फ्लोर में रहेगा आपके चाय पानी नाश्ता के लिए कैफे वगैरह की व्यवस्था। अच्छा, जो आपके स्नैक्स वगैरह के लिए है वो कैफे वगैरह का भी प्लान अभी चल रहा है, बट मेन जो अभी है वो VR थीम पार्क है। इसके बाद जो एक्टिविटी होगी वो भी आपको आने वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगी। आप पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब बर्थडे पार्टी हो गया। अच्छा, पार्टी हो गया वो भी आप यहाँ इवेंट। अच्छा, इस पे गाइस अभी देखिए एक फैमिली यहाँ पर आई हुई है और ये VR चेयर का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो भैया एक बार आप बता दीजिए आपको अंदर क्या दिख रहा है? अभी तक तो एक सिटी है अल्टीमेट पुशर। क्या दिख रहा है अभी अंदर? अभी मैम आपको क्या दिख रहा है? सिटी हो गई। आपको डर क्यों लग रहा है? मतलब ऐसा क्या दिख रहा है जो आपको डर लग रहा है? नहीं डर नहीं लग रहा, बहुत मजा आ रहा है। नहीं नहीं, ये तो गाइस देख सकते हैं, इनका रिएक्शन आप देख सकते हैं। ये देखो कितना मजा इनको आ रहा है क्योंकि ये जो है ना ये पूरा ये मुंह हो रहा है, ये देखिए। सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत फन है। भी ये जो तीनों लोग हैं इन्होंने एक्सपीरियंस किया है VR चेयर का, तो सबसे पहले मैम से जाना चाहेंगे। मैम आपको कैसा लगा? बहुत मजा, मतलब एक्चुअल फीलिंग आया, बहुत अच्छा लगा। एंड यू मस्ट, एवरीवन मस्ट ट्राई, एक बार जरूर आना चाहिए। सर आपको? मेरे लिए कुछ नया एक्सपीरियंस था, पर जो भी था बहुत पहले वाले टाइम के लिए बहुत ही जोरदार एक्सपीरियंस। क्या दिखाई इसके अंदर आपको जो VR के अंदर क्या देखने को मिला? सिटी थी उसके अंदर रोलर कोस्टर चल रहा था। अच्छा, ऐसा लग रहा था मेन सिटी में बिल्कुल रोलर कोस्टर चल रहा है, बहुत अमेजिंग था जो भी था। और सर आपका रिएक्शन तो देखने लायक था, मैंने आपका रिएक्शन देखा, आपकी टिप्पणी। वंडरफुल एक्सपीरियंस है, मैं सबसे ये कहूंगा कि इसको सिर्फ बाहर से गुजर के आप इसको मत एक्सपीरियंस करिए, अंदर आइए, अंदर आप इस सीट पे बैठेंगे तो ही आपको एक्सपीरियंस का पता चलेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है 3-screen सिमुलेटर, जिसमें आपको रियल में जो जैसे गाड़ी चलती है वही एक्सपीरियंस इसमें आपको मिलने वाला है। इसमें आप स्टीयरिंग वगैरह देख सकते हैं, रियल जो गाड़ी के होते हैं वही आपको सेम एक्सीलेटर हो गया, क्लच, ब्रेक, सब कुछ सेम टू सेम मिलने वाला है और किसी भी टाइप की आप गाड़ी इसमें आप चला सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट एक्टिविटी जैसे अभी भैया ने बताया, हम ये कार वाली करने वाले हैं, VR कार के नाम से जो एक्टिविटी है। तो अभी जो आप कार पंच करेंगे यहाँ पर, एक बार कार पंच करके बता दीजिए कि यहाँ पे ये कार पंच होगा तब जाके
ये ऑन होगा वहाँ से। तो अभी हम इसके अंदर बैठने वाले हैं और आपको चला के बताने वाले हैं कि VR जो कार एक्सपीरियंस है हमारा कैसे रहने वाला है। तो इसमें तो अभी तो हम बैठ चुके हैं। हाँ जी ठीक है, अच्छा ठीक है। तो सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ पे सीट बेल्ट आपके बांधी जाएगी जब आप ये एक्टिविटी करने आ रहे हैं। अभी मैं कर रहा हूँ, इसके बाद अशोक करेगा, तो दोनों का रिएक्शन जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है और ये हिल भी रहा है, जैसे कि ना रोड पे जा रही है ना वैसे, और जैसे जैसे रेस बढ़ती जा रही है ना तो कार भी और मतलब ऐसे लग रहा है कि ना आप असली की कार चला रहे हैं, क्योंकि जो ये वाइब्रेशन फील हो रहा है ना इसमें, ये मेन चीज़ है कि आप सामने कार चल रही है। देखिए ये देखिए आप, ये देख सकते हैं ये चारों तरफ ये टीवी लगे हुए हैं और स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ पर बिल्कुल ये हिल रहा है। ये देखिए ये शोकर वगैरह है, ये सारा हिल रहा है ताकि आपको जो फील आए ना वो बिल्कुल वैसा आने यहाँ पर लग रहा है। ये देखिए अब गाड़ी चलाने वाला है और थोड़ा सा हम इसका भी आपको रिएक्शन बताने वाले हैं। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. हमारा जो नेक्स्ट गेम हम प्ले करने वाले VR टीम, इसमें क्या रहेगा, पबजी जैसा कुछ गन वगैरह रहती है। ये देखो ये गन है और इसमें चार प्लेयर एक साथ खेल सकते हैं, 1, 2, 3 and 4, और चार ही VR आपके पास लगे हुए हैं। VR टीम, आई विल वॉच योर बैक। ओके तो हम देखते हैं कि इसका हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। भैया और मैं प्ले करेंगे और आप थोड़ा सा हमारा रिएक्शन देखिएगा। ठीक है भैया, आप क्या करना, गेम प्ले वगैरह LED पे भी दिखेगा आपको। हाँ। तो लाइव पता लगेगा कैसा फील आने वाला है। ठीक है, और मेरे मतलब जितने भी यहाँ पे अभी आए हैं खेलने के लिए, सबसे सबका फेवरेट यही। अच्छा, सबका भी हमारा जो गन है हमको दे दी गई है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है क्या हाल होने वाला है। मजाक कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करें यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। 4 घंटे हो गए अभी हमको यहाँ पे शूट करते हुए सिर्फ आपके लिए, और वीडियो हमको सेम दिन पोस्ट करनी है क्योंकि उसका कुछ रीजन है, बाद में बताऊंगा ना। चलिए मतलब मैं थोड़ा सा ओके, आप मुझे भी देख सकते हो, मैं आपको देख सकता हूँ। हाँ ये ओहो एक तो मारना है। अच्छा ठीक है गाइस, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग गेम है। यहाँ पे पता है I won't stop till they hear me now. और काफी मजा इसमें आया है। मतलब आपके चारों तरफ है ना वो ग्राउंड आ जाता है और उसमें आपको गोलियां मारनी रहती है। उसमें बड़े बड़े मतलब राक्षस आते हैं, ड्रैकुला आता है, सब कुछ आता है, बस आपको क्या करना है, गोलियां मारनी है उनको। ठीक है, LOC पे फाइल करने गए हैं जैसे। बिल्कुल सच में ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं पे हम सचमुच में वो टास्क है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। भैया काफी, और मैं ये गारंटी देता हूँ ये गेम सबको पसंद आएगा, सबको पसंद आने वाला है यार ये। ठीक है, तो आप जब भी आए ना जल्दी से प्लान कीजिए VR थीम, और भैया मिलेंगे आपको, हमेशा भैया मिलने वाले, भैया से आके मिलिए, क्या पता फिर प्राइस इंक्रीज हो जाए, अभी तो कम प्राइस में है। हमारी अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ना वो VR चेयर की होने वाली है, और VR चेयर में कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे पहले बता के यहाँ पे डरा दिया गया कि आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का होने वाला है। तो अभी करते हैं इस चेयर का एक्सपीरियंस और रिएक्शन देखते हैं कि कैसा लाइव रिएक्शन देख। अच्छा वो वाला, अच्छा ठीक है,
इसमें बैठ जाऊँ मैं? सीट बेल्ट भी है क्या? लगा दो, बांध दो मेरे को, किडनैप कर लो मेरे को। ठीक है, ये पहनना पड़ेगा। ठीक है तो दोस्तों, ये क्रिश बना दिया गया है मेरे को यहाँ पर। हाँ ठीक है, रात हो गया भाई। ये कहाँ पे लिया है मेरे को? गाइस मैं आपको थोड़ा सा अंदर का सीन बताता हूँ। यहाँ पे मेरे चारों ओर बिल्डिंग है और शायद नीचे कुछ, मैं बीच में सर्कल में मेरे को बैठा रखा है। अभी ऊपर ऊपर जा रहा है। और नीचे ये क्या? ये देखो, बिल्डिंगों के बीच में से झूला निकाल। इसमें हवा कहाँ से आ रही है भाई? मेरे को तो चक्कर आने लग गए थोड़े बहुत। ये ट्रेन की पटरी पे कहाँ चला रहे हो मेरे को? रोलर कोस्टर देखे? भाई पीछे भी है भाई, ये तो आसमान में लेके जा रहा है। भाई साहब बहुत डर लग रहा है यार, मेरे को सच में चक्कर आने लग गए अब तो। मेरे को बहुत ऊपर ले जाके नीचे एकदम से पटक दिया गया है। और लिटरली आपको फील होता है, जिसमें साउंड आता है, जो इसमें एयर आता है, वो आपको बिल्कुल ऐसे लगता है कि रियल वर्ल्ड में आप हैं और आपके चारों ओर का एनवायरनमेंट है ना, ऐसा हो जाता है कि अब तो गए आप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ अंदर, जो वीआर के अंदर आपको ऐसी कुछ चीज यहाँ पे दिखने वाली है। और एक ट्रॉली में आप बैठे रहेंगे और आप ऊपर चढ़ते जाएंगे और एक और एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके ना, ये आपको फ्री फॉल भी करने वाला है। तो दोस्तों अभी जो है ना, अशोक बैठ चुका है। अशोक कैसा फील हो रहा है भाई? आसमान में जा रहे हो इस स्पीड से, जा रही है यार ये तो। मजा आ रहा है? मजा क्या, बहुत है। बताओ, पता नहीं कहाँ गया मैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरी क्या हालत हुई थी ना, अब इसको पता लग रही है ये जब। तो गाइज अभी जो वीआर वाओ नाम की जो एक्टिविटी है, ये दोनों कर रहे हैं। और देखिए ये अपने हाथ से जो भी कंट्रोल कर रहे हैं ना, ऊपर देखिए इनके हाथ आपको दिख रहे होंगे और हाथों से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। ये देखिए जो कॉइन वगैरह है वो कलेक्ट कर रहे हैं। और ये देखिए अभी हम वीआर वाओ की जो नाम की एक्टिविटी है वो करने वाले हैं। लेट्स ट्राई ना, ये कॉइन कलेक्ट करने ना मेरे को। यार बताओ इसमें मेन चीज़ क्या है? आपको है ना, जैसे जैसे आगे जाते थे ना, वाइब्रेशन भी आता जाता है और ये चेयर हिल भी रही है और हवा भी सामने से आ रही है। देखिए अब ये तेज हो गया। अभी हमारे साथ तीन लोग और हैं जिन्होंने ये एक्टिविटी या जो वीआर चेयर वाली एक्टिविटी ट्राई की है। तो मैम पहले आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस, पहले आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम रुचिका मेहरा है। हाँ। और बहुत ज्यादा मजा आया है। अच्छा ठीक है, और आपका? मेरा नाम कनिका है और काफी ज्यादा एडवेंचरस था। तो अच्छा, मतलब जो भी लोग यहाँ पे आने चाह रहे हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि मतलब कि कैसा उनको एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा? बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा, जैसे हॉरर वाला तो बहुत डरावना था। सच में बहुत ज्यादा डरावना था। और आपका नाम क्या? मेरा नाम अक्षत आर्य है और यहाँ पे जो था इसमें हॉरर भी था, हॉरर वाले में बहुत मजा आया।
एकदम रोलर कोस्टर भी करवाया, रोलर कोस्टर भी बहुत 360 डिग्री जैसे एकदम अच्छा। हवा में लेके गए वैसे। यहाँ पर जो टीम है ना बहुत ही प्यारी टीम है, बहुत ही सपोर्टिव टीम है। सबसे पहले तो हम सुपरवाइजर जी से मिलते हैं। सर आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम दीपक कुमार है। तो दीपक जी आपका कैसा एक्सपीरियंस है पहले तो आप बताइए कि मतलब यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इतना यहाँ पे क्राउड आ रहा है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? यहाँ के जो जितने भी गेस्ट करके जाते हैं वो सब ये एक्टिविटी को देख के बोलते हैं ऑसम। अच्छा, मतलब पॉजिटिव फीडबैक है, पैसा वसूल, पैसा वसूल है तो यही होना चाहिए। तो कभी भी आप आए तो आपका नाम बताइए सर। राहुल शुक्रिया। राहुल, आपका नाम? कमलेश। कमलेश, ये हमारे सुपरवाइजर जी हैं। आपका नाम बताइए। शिवानी। आपका नाम बताइए सर। विजय कुमार। तो ये होल टीम है, वी आर जो थीम पार्क है, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही मोटिवेटेड टीम यहाँ की। तो गाइज हमारी अब जो एक्टिविटी है ना वो है वीआर फ्लाइट। वीआर फ्लाइट में क्या होगा, हमको इस पोजीशन में यहाँ पर लेटना पड़ेगा और यहाँ पर हमारे आंखों में वीआर लगाया जाएगा और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो मैं आपको इसको एक्टिविटी करने के बाद ही बता सकता हूँ। मज़ा काफ़ी आ रहा है इसमें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाल कलर का बटन आ रहा होगा उसको दबा के कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए शेयर और लाइक, ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जयपुर के चैनल पर देखने को मिलती रहे। कब आ रहे हैं आप वीआर थीम पार्क वैशाली नगर गांधीनगर पर, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। और यदि अभी आपने ना इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, बहुत बड़ी गलती करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए MISTER_Jaipur के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ पर जो रील्स और जो रॉ अपडेट्स है ना वो आपको डेली टू डेली मिलते रहते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।